सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मोतिहारी में होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग समाप्त। ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन। नालंदा में भजन कार्यक्रम को लेकर हुआ विवाद, विरोध में एक युवक ने चलाई गोली। मोतिहारी चोरों के आतंक से लोग परेशान, चोरों के निशाने पर मंदिरों की मूर्तियां। रोहतास में पुल के पास मिला एक युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में अज्ञात वाहन की चपेट में आई 2 किशोरी, हादसे में 1 किशोरी की मौत, 1 घायल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मधुबनी में बने मिथिला हर्बन हाट का नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन होना है, जिसको लेकर जल संसाधन मंत्री प्रभारी डीएम ने मिथिला अर्बन हाट का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं जल संसाधन मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मिथिला के एक यह गौरव का दिन है। संस्कृति, विरासत, खान पान, वेशभूषा और रहन सहन का अद्भुत नजारा मिथिला अर्बन हाट पर देखने को मिलेगा। वहीं लोगों से मिथिला हाट देखने की अपील की गई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा और मिथिला हाट में मैं जरूर आग्रह करूंगा आप सबसे आकर के देखिए। मिथिला का कल्चर, मिथिला का खाना, मिथिला का म्यूजिक, मिथिला के लोग, सब तरह का रूप आपको यहाँ देखने को। कल से इसका उद्घाटन होगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा और यहाँ पर 50 स्टॉल है रूप, जहाँ पर मिथिला का व्यंजन आपको मिलेगा। मिथिला से रिलेटेड जितना आपको आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, मिथिला पेंटिंग हो, सिक्की मौनी हो, वो मिलेगा। मधुबनी खादी काफ़ी फेमस था, उसका भी आपको यहाँ मिलेगा। मिथिला का म्यूजिक भी बहुत लोग भूल रहे हैं, नया जनरेशन फेमस रहा है, वो भी आपको मिलेगा। पटना में प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष ने भाजपा सरकार के खिलाफ तंज कसा है। उन्होंने कहा 2024 में नीतीश के नेतृत्व में विपक्ष एक होगा और सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि भाजपा का काम भ्रम फैलाना है। पूरे देश के विपक्ष के लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो रहे हैं और 2024 में इनका सफाया होगा। वहीं राजद के विधायकों के समाधान यात्रा पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। हर ये समाज के इनके नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और तमाम जो हमारे जो महागठबंधन घटक दल के जो नेता हैं, सब लोग का आस्था है। इक्का दुक्का कोई लोग बोलते रहते हैं, इन तमाम लोग जो है इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में जन कल्याणकारी कार्य बहुत सारे हो रहे हैं, जिससे जो है बिहार को विकास हो रहा है, बेमिसाल काम हो रहा है। तो और भाजपा के पास तो सिर्फ भ्रम फैलाने का, देख रहे हैं कि अभी हाल में ही किस तरह से जो है नगर निकाय चुनाव में भाजपा के लोगों ने क्या नहीं किया। उनके तो जो है आरक्षण विरोधी जो चेहरा है, जो अति पिछड़ा दलित का जो
आरक्षण हम हमारे नेता ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का जो काम किया उसके लिए किस तरह से उन्होंने कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद कैसे रोकने का काम किया। खबर बेतिया से है जहां जूड़ा पकड़ी गांव के पास ग्रामीणों को नाले के पानी से रोड पर जल जमाव होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने मुखिया पति को दी, जहां मुखिया पति ने समस्या वाली जगह पर पहुंचकर निरीक्षण किया और बताया कि कुछ दबंगों ने ढोल कैनाल नहर में आ रहे पाइन में मिट्टी भर अतिक्रमण कर लिया, जिसकी सूचना अंचलाधिकारी को दी गई है ताकि अतिक्रमण पाइन की यथाशीघ्र साफ सफाई कराई जाए ताकि पानी बहाव हो सके और ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सके। हमारे गांव में नाली की समस्या है, नाली रोड का पानी, नाली का पानी रोड पर बह रहा है। अब बहने का कारण है कि यहाँ पानी अतिक्रमण है, सर नक्शा का दोन कैनाल का पानी है जो लोगों ने के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। पानी का बहाव नहीं है, मुंह का नाली के पानी बहाव नहीं होने के कारण रोड पर पानी बह रहा है, यहाँ के लोगों को आना जाना रहना मुश्किल हो गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद से अवैध शराब की तस्करी को लेकर आए दिन नए नए तरीकों से शराब की खेप पकड़ी जाती है। इस बार भी उत्पाद विभाग ने कुछ ऐसे ही नायाब तरीके से भांडाफोड़ किया है। दरअसल अहियापुर थाना क्षेत्र के पास उत्पाद विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर सड़क के अंदर बने तहखाने से तकरीबन 4 बोरी भरकर अवैध शराब बरामद की। वहीं सूचना के मुताबिक जब्त शराब लगभग 80 लीटर है और अलग अलग ब्रांड की है। अयपुर थाना क्षेत्र के दादर गांव में कार्रवाई की गई, जहां एक बस्ती की गली में सड़क के नीचे एक तहखाना बना हुआ था और उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाया गया था। गिनती करने पर शराब 80 लीटर के करीब पाई गई, जिसमें ब्लेंडर्स, ब्राइट, इंपीरियल ब्लू और मैकडावल जैसे ब्रांड थे। कोई गिरफ्तारी हुई? जो अभियुक्त है वो उस जगह के पास ही रहता है, परंतु छापामार दल को देखकर वो भाग गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। नवादा में सद्भावना चौक के पास कुछ अपराधियों ने 2 युवक के साथ छीना झपटी की, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने युवकों को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग दोनों उधर से आ रहे थे तो पकड़ के मारने लगा, उसके बाद मेरे गला में सोने का चैन भी था वो भी छीना, इसका फ़ोन भी छीन रहा था। उसके बाद हम इसको बचाने गए तो मार रहा था एगो का, उसमें से नाम जानते फाइक नाम है, और उसके साथ 4-5 लड़का और मार रहा था हमको, उसका नाम हम नहीं जानते। हम लोग आ रहे थे बाइक से, बाइक रुकवाया और हम लोग का चैन छीन लिया और मोबाइल छीनने लगा, और इसी में हमने मोबाइल नहीं दे रहे तो फिर मारपीट किया। बिहार में किसान खाद को लेकर परेशान रहते हैं। लोग दुकानों पर इस ठंड में भी लाइन लगाकर खाद लेने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन सरकार अभी तक खाद की समस्या को सुलझाने में असफल साबित हो रही है। इसी को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जन आक्रोश मार्च निकाला और नुक्कड़ सभा करके सरकार को चेतावनी भी दी, किसान को उचित मूल्य पर खाद मिलनी चाहिए, खाद की जो कालाबाजारी हो रही है ये बंद होनी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग आगे जन आंदोलन को तेज कर देंगे। जन आक्रोश मार्च के माध्यम से हम लोग यह सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपके जितने भी अधिकारी हैं वह निकम्मा है, बैठल्ला है, कहीं कुछ करने वाला नहीं है। इस ठंड में, हार गलाती हुई ठंड में किसान 4 बजे से यूरिया के लिए लाइन में लगा रहता है। 266 रुपया प्रति बोरा रेट है यूरिया का, लेकिन यहाँ पर 500, 600, 700 तक यूरिया बेचता है और पदाधिकारी कहते हैं हमको कुछ मालूम ही नहीं। आज हम लोग जो है सो सरकार को, हम अपने ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है नुक्कड़ सभा के माध्यम से, और हम 3 दिन का समय देते हैं, 3 से 4 दिनों में अगर समुचित तरीके से सही दाम पर अगर यूरिया मुहैया नहीं कराया गया तो हम लोग इसके पास जिला में बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन के साथ साथ हम लोग अनशन भी करेंगे।
सहरसा में किराना व्यवसायी के बेटे के अपहरण मामले में मिठू कुमार की बरामदी हो गई। अपहरणकर्ता ने मिठू कुमार को पुलिस के दबिश के कारण छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि 6 जनवरी को मिठू कुमार का दुकान जाने के दौरान अपहरण हो गया था, जिसके बाद अपहरणकर्ता ने फोन करके 3 लाख की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की और छापेमारी कर अपहरणकर्ता को बरामद कर लिया। तो जो लोग ले गए थे इनको अपहरित करके, उनके द्वारा इसे सदर थाना क्षेत्र में ही वापस छोड़ने की बात सामने आई और सदर थाना में जाकर इसको रिकवर किया। और ये मामला वस्तुतः आपस में लेन देन का प्रकाश में आया है। लेन देन में कुछ पैसे की बकाया रहने की बात के बेसिस पर इनको जो है ले जाया गया था। अभी तक वर्तमान अनुसंधान में ये बातें आई हैं। नालंदा के मल्लिक टोला बस्ती में बेखौफ बदमाशों ने देर रात किराना व्यवसायी के घर हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि नकाबपोश बदमाश दीवार के सहारे घर में घुस गए और हथियार के बल पर बंधक बनाकर 1 लाख नगद समेत 5 लाख के सामान की लूट की और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बड़ा दोनों राइफल जो है मेरे गर्दन मतलब खोपड़ी के पास हटाया एकदम, सटाते हुए एकदम फिर उसका गोदरेज का चाबी मांगा घर वाले से, गाली गलौज देते हुए फिर चाबी दिया, बोले से किसी को स्केच आने मत देना, चाबी मिल गया है छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं किसे करना है। नहीं मारा नहीं, लपड़ थपड़ दिया होगा, याद नींद में नहीं है, लपड़ थपड़ दिया होगा। मुजफ्फरपुर में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने किराना व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 3 शातिरों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के बीच 5 जनवरी को किराना व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और उनके आवास पर गोलीबारी भी की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 5 तारीख को अहियापुर थाना अंतर्गत एक मामला प्रतिविधित हुआ था, जहां पर वहां के किराना व्यवसायी थे जिनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और उनको इसमें डराने का भी प्रयास किया गया था, उनके घर पर गोलीबारी भी की गई थी। इसी आलोक में एक केस प्रतिविधित किया गया था। हम लोग उस केस को टाउन DSP साहब जो हैं उनके नेतृत्व रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी में नए तौर पर बहाल हुए होमगार्ड जवानों के ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन पुलिस कैंप
में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधि मंत्री पहुंचे। इस मौके पर मुख्य अतिथि को जिलाधिकारी ने बुके देकर सम्मानित किया और पासिंग आउट परेड कर रहे सभी सिपाहियों का सलामी लिया और कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार युवाओं के लिए कार्य कर रही है। युवाओं के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे बखूबी निर्वाह करना होगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में बिना डरे अपनी शपथ ली हुई बातों का ख्याल करते हुए ड्यूटी करनी होगी। यूथ आइकॉन और बिहार में जितने भी युवा वर्ग में प्रेरणा देते हैं हमेशा, पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास बघेल सर का भी मैं स्वागत करता हूं। यहां पे उपस्थित डीआईजी सर का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि सर से खेल के दिनों से भी हम मैं उपस्थित जिला पदाधिकारी, लोकप्रिय जिला पदाधिकारी शिक्षक कपिल अशोक जी, जो काफी लंबे समय से मोतिहारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ नव पदस्थापित एसपी कांतेश मिश्रा जी, खबर नवादा से है जहां एक महिला को फेसबुक पर एक युवक से प्यार हो गया, जिसके बाद युवक के झांसे में आकर महिला अपने बच्चे के साथ नवादा पहुंच गई, जहां युवक ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई और युवक ने उसका गर्भपात करा दिया। साथ ही शादी करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद परेशान होकर महिला ने अकबरपुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं आरोपी युवक पर कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित महिला अपने बच्चे के साथ एसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। और शादी करके अभी मतलब प्रेग्नेंट है और फरार है, भागा हुआ है। अच्छा, फिर घर उठ पर गए, उसका मतलब परिवार लोग बोलता है कि हमको नहीं पता इस सब, मतलब इस सब का मतलब हम नहीं जानते हैं, शादी किया नहीं किया हमको जानकारी नहीं, तो ये केस किए हुआ। खबर रोहतास से है जहां एक पुल के पास एक युवक का शव मिला, युवक की पहचान कर ली गई है। हत्या की सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि युवक पार्टी करने गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया। इस घटना के बाद परिवारों में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं युवक के परिजन पुलिस प्रशासन से उचित जाँच की मांग कर रहे हैं। मारपीट हो गया, इसके बाद लड़का वहाँ से गायब हो गया। एक तारीख को शाम को 6 बजे से घटना 1 तारीख का हुआ है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जमुहारा, इंदरपुरी जमुहारा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव नाम है। खबर नालंदा से है जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई और दोनों किशोरियों की पहचान कर ली गई है। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि दोनों किशोरी फोटो खिंचवाने जा रही थी, जहाँ वह अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। खबर मोतिहारी से है जहां चोरों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं। चोरों ने एक मंदिर में प्राचीन लक्ष्मण और माता सीता की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां चोरी कर ली हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। साथ ही पंचायत के मुखिया और सरपंच भी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुट गई। दो मूर्ति चोरी हो गया है, इसके संबंध में हम लोग आए अभी, मुखिया जी और हम और ग्राम जनता आया है। हम लोग इधर पूछताछ किए हैं तो इधर रास्ते में कुछ सामान मिला है, बाकी कोई सुराग नहीं मिला है। चोर सामान लेके किधर गया? अभी हमने 5 बजे सुबह पुजारी जी फोन किए हैं, मुखिया जी आइए, मंदिर का 2 मूर्ति चोरी हो गई। अच्छा, तो हम लोग आए,
सरपंच साहब भी आए और गांव के लोग भी आए, देखे तो सही वाकई में दो मूर्ति चोरी हो गई है। अच्छा, जो नई 1998 की मूर्ति है, बहुत पुराना मूर्ति है। अभी जाकर पूजा करने गए तो मूर्ति वहाँ पे नहीं, मूर्ति नहीं था, कुछ मूर्ति का अवशेष भाग इधर पूर्व मंदिर के पूर्व दिशा में मिला। अच्छा, जैसे माला हुआ, मुकुट हुआ, नीचे का स्टैंड हुआ। अच्छा, तो सभी ग्रामीणों ने जाना है सुबह में, तो आए लोग तो खोज भी किया लोग तो कुछ। खबर नवादा से है जहां 5 लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। इस घटना के बाद से गांव में काफी तनाव का माहौल है। वहीं मृतक महिला के बेटे ने बताया कि किमकान बनवाने के लिए सड़क पर बालू गिरवाई थी, जिसे कुछ बच्चे फैला रहे थे, जिसका विरोध करने पर बच्चों के परिवार के लोग मारपीट करने लगे और पीट पीट कर महिला की हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। उधर बाद देने मतलब कि रास्ते पर गिराए थे बालू, तो बाद देने जा रहा था तो मतलब कि उसको पोता पोती ने मतलब कि बालू छीट रहा था, तो हमारा मम्मी मना किया कि बालू क्यों तू छीट रहा है, इसीलिए मतलब को उन लोगों को उसको मतलब कि कुलदीप यादव का पूरा जो परिवार है 5। खबर नालंदा से है जहां एक युवक ने अपने 2 सहोदर भाइयों को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि दोनों बेटे भजन कार्यक्रम कर रहे थे, इस दौरान एक युवक ने इसका विरोध किया और गाली गलौज करने लगा, जिसके विरोध में युवक ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।